कई सारे लोग इन दिनों में प्रीच कर रहे हैं यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, वो सबके लिए नहीं आ रहा, वो सिर्फ उनके लिए आएगा जो तैयार हैं। और जानते हो तैयारी कहां से शुरू होती है? तैयारी एक तरह से स्टार्ट की जाती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज अगर आपका ध्यान यहां वहां भी है, आज के संदेश को सुन लो भाई। पता नहीं तुम्हें ये संदेश फिर कब सुनने को मिले, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चे वचन के लिए हर व्यक्ति तरसने वाला है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप तैयार नहीं भी हो तो पहली सीढ़ी है, अपने अपने गुनाहों को पहचानो, अपने गुनाहों को जानिए, आप कहां पर स्टैंड करते हैं। कहीं आपके मुंह से गालियां तो नहीं निकलती? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर से इतना गुस्सा निकलता है कि आपके गुस्से से आपका फैमिली डिस्टर्ब है? कई सारे मसीह लड़के लड़कियां, दे आर वॉचिंग फिल्थी प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम्स देखेंगे, बिग बॉस देखेंगे, पबजी खेलेंगे, पर उनके पास 15 मिनट खुदा के लिए टाइम नहीं होता। उनके माता पिता उनकी गर्दन पकड़ के चर्च में लेके आते, चल संडे चल, मुझे नहीं आना। कहां खड़े हैं आप, मुझे बताइए, वेयर यू स्टैंड। कहीं आप एक ऐसा तो नहीं है कि आप एक पास्टर हैं और आप दिन रात प्रभु की सेवकाई करते हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं सेवा करते करते आपकी सेवकाई में तो आशीष आई है, लेकिन इनसाइड यू आर बैकस्लाइड। मैं लास्ट एक साल से इतने प्रचारक भाइयों से मिला, और जब मैं उनको देखता हूं, मुझे प्रभु कई बार बोलता है, देख मिनिस्ट्री ब्लेस्ड बट ही हिमसेल्फ बैकस्लाइड। अब वो मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करता, सारा दिन बिजी रहता है लोगों के पीछे। और कई बार मैं आपको अपनी टेस्टमनी बताता हूं, एक्चुअली टेस्टमनी नहीं है, इट वॉज माई बैड एक्सपीरियंस। 2020 में हमारी मुंबई पूरी तरह से लॉकडाउन थी, क्योंकि हमारे यहां पर बहुत ज्यादा केसेस मिले थे। स्पेशली हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कुछ भी नहीं खोलो, बंद कर खोलो, क्योंकि ऐसा कोविड फैला हुआ था, यंगस्टर्स बच्चे सब मरते जा रहे थे। उन दिनों में जितनी भी बुकिंग मैंने ली थी लोगों से, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सबने कहा सूरज भाई चर्च तो बंद है, अभी आप एक काम करो, ऑनलाइन मीटिंग दो हमें। मैंने कहा ओके। हमने एक पैकेज खरीदा जूम का और मैंने ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट की। अगस्त के महीने में मुझे परमेश्वर ने कहा कुछ दिनों के लिए सेवा बंद कर। मैंने कहा प्रभु कितने लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास एक लंबी लिस्ट थी। सुबह शाम मैं अपने ऑफिस में टीचिंग प्रीचिंग में बिजी था। और जानते हो मैंने कुछ पास्टर्स को मनाया और मैंने उनको कहा, सर मैं पोस्टपोन कर रहा हूं, कैंसिल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अगले महीने इसी डेट्स पे मैं आपके चर्च में प्रीच करूंगा ऑनलाइन। और वो बेचारे भले लोग थे, वो मान गए। और जब मैंने छुट्टी लेकर मैं अपने कमरे में बैठा और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने आपकी आज्ञा मानी है, अब मुझे आप बताइए। जानते हो मुझसे क्या हुआ था? प्रचार करते 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 मेरा माइंडसेट जानते कैसे हो गया था? मैं बाइबल का हर अध्याय इसलिए पढ़ रहा था कि मैं इसमें से क्या समझ के सुना सकता। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर से सुनना ही बंद कर दिया कि प्रभु मुझसे क्या बात कर रहा है। हर संदेश, ओ लाजर में, ओ कल संडे है, कल ये संडे को प्रेच करूंगा, ये फास्टिंग के लिए ये मंडे को वहां प्रेच करूंगा। मैंने एक साल परमेश्वर की आवाज सुनना अपने लिए बंद कर दी थी। कई बार मैं आर्टिकल लिखता था, प्रभु मुझे कहता था सूरज बंद कर, टॉक टू मी, उससे बात कर, प्रभु पांच मिनट रुकिए। और कई बार 15-20 मिनट आधा घंटा लिखने के बाद जब मैं प्रभु की तरफ फिरता था और मैं कहता था यस लॉर्ड, उसकी उपस्थिति वहां नहीं होती थी। मैंने ये गुनाह किया है, मैंने कई बार प्रभु को वेट करवाया है, आप बिलीव कर सकते हैं। मेरा माइंड ऐसा हो गया था, मिनिस्ट्री करते करते मैं आपका अपना गुनाह आपके सामने मानता हूं। मिनिस्ट्री करते 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 मेरा माइंडसेट ऐसे हो गया था, इसमें से वहां क्या बता सकता हूं, इसमें से मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए खुदा से सुनना ही बंद कर दिया। मैं
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में तैयार हो रहे हैं? ब्रदर मेरे पास पूरी बाइबल है, मुझे सब कुछ पता है, डेविल को आपसे ज्यादा पता है, पर वो तैयार नहीं है। हम तो जानते भी नहीं है कि सर में दर्द हो तो कौन सा वचन लेके बोलना चाहिए, उसको तो एग्जैक्टली पता है कि कभी क्या बोलना चाहिए। यीशु को ऊपर लेके जाके कहता है अपने आप को फेंक, सुसाइड कर, लिखा है वो तुझे हाथ हाथ बचाएगा। उसे तो ये भी पता है कि कौन सा वचन कहां फिट होता है। कई सारे लोगों को लगता है कि मुझे बाइबल पता है। याद रखिएगा, बाइबल समझने में और तैयार होने में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो पूरा बाइबल जानते हैं पर आज भी उन्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, दे नो होल बाइबल, सबत का दिन कब है, प्रकाशित वाक्य में सात कटोरे क्या हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये एजिकल में लिखा है, पहिए क्या है, पतरस ने एलिया और मूसा को पहचाना, दे नो ऑल आंसर्स, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन आज भी उन्हें अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं। ज्ञान पाने से सब कुछ नहीं होता। इवन बाइबल की पहली आज्ञा है, ज्ञान के वृक्ष में से मत खा। सिर्फ ज्ञानी मत बन। जानते हो व्यक्ति तैयार कहां से होता है? थिस्सलुनीकियों में हमने वचन पढ़ा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, तुरही बजी जाएगी और हम उठा लिए जाएंगे। पर वो सबके लिए नहीं आ रहा, वो उनके लिए आएगा जो तैयार है। और तैयारी की पहली सीढ़ी है ईमानदार बने, ऑनेस्ट बने। मैं चंडीगढ़ में था, पास्टर जी ने ये प्रीच किया था वहां, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने। कितनी बहनें हैं यहां पर प्रभु को प्रार्थना करती हैं, प्रभु चुगली मारने की आदत से बाहर निकाल मुझे, सारा दिन बातें यहां की वहां करती रहती हूं मैं। करते हैं आप? कितने भाई लोग हैं यहां पर जो कहते हैं प्रभु मेरी आंखों को शुद्ध कर। लड़कियां टाइट फिट्स पहन के सामने से जब जाती हैं मेरी नजर जाती है, बार बार मुड़ के देखता हूं मैं उन्हें। आप मानते हैं खुदा के सामने? कितने प्रचारक भाई हैं यहां पर जो आज प्रभु से कहेंगे प्रभु क्षमा कर, सेवकाई करते करते इतना बह गया हूं कि भूल गया हूं तेरे साथ भी मेरा एक नाता है।